नमस्कार दोस्तों, वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक या सहायक जेल अधीक्षक, इनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचे हैं कमेंट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से, और इसमें 3 प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा मिले हैं कि अगर किसी जिले में 0 वैकेंसीज हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो उसके लिए क्या करना है, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस का क्या करना है, या जिला सिलेक्ट करने को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके तीनों प्रश्नों के मैं जवाब देता हूं वन बाय वन। शुरुआत करते हैं कि अगर किसी जिले में आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो, या आपकी जो कैटेगरी अगर उसमें 0 वैकेंसीज हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप जिस जिले से और जिस कैटेगरी से आप हैं उसमें देखिए कि वहां पे 0 वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, या तो आप फिर जिला चेंज करेंगे तो ही उससे वो सही रहेगा। लेकिन अगर 0 वैकेंसीज हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिला सिलेक्ट करना, जिला प्रेफरेंस को लेकर मैं आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो नोटिफिकेशन के अंदर आया हुआ था। यहाँ पे आप लास्ट लाइन में क्लियर पढ़ सकते हैं, 1 से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। तो कुछ लोगों ने इस पर भी वीडियो बनाया है, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। मे बी कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर शायद उसको लेकर कोई क्लैरिटी आ जाए, लेकिन जब तक व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम नहीं मान सकते कि 1 से ज़्यादा जिले सिलेक्ट करना उचित रहेगा कि नहीं, क्योंकि फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप 1 ही जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा आपको ये एक सजेशन रहेगा कि अगर आप 1-2 दिन रुक सकते हैं तो अच्छा रहेगा। शायद 1-2 दिनों के अंदर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाए, हो सकता है एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, ना भी बढ़े। फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि 8 फरवरी ही अंतिम तिथि रहेगी, लेकिन 1 या 2 दिन आप रुक जाइए, अगर रुक सकते हैं तो तब तक और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें फॉर्म भरना है तो आप 1 ही जिला फिलहाल सिलेक्ट करें, जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। आगे अगर कुछ अपडेट आता है तो वो हम आपको बता देंगे। तीसरा आपका सवाल था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो आपका सहायक जेल अधीक्षक की जो वैकेंसी है आप उसको फर्स्ट पे रखिए। अगर आप 10th-12th बेसिस पर जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक तो आप कर रहे हो तो फिर आप उसी के हिसाब से अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस करें। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो सहायक जेल अधीक्षक को आप नंबर 1 पे रख सकते हैं। इसको लेकर भी अभी एक डाउट है कि 1 एग्जाम होंगे, 1 से ज्यादा एग्जाम होंगे, तो वो भी अभी शायद थोड़ी क्लैरिटी आना बचा है। जब उसके बारे में कुछ अपडेट आएगा तो वो मैं चीजें आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चंस के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं तो एक चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसमें सारे जिले के नाम लिखे हुए हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। इसकी PDF मैं अभी हमारे विनर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम पर अपडेट करवा दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा फॉर्म भरने के पहले। तो ये PDF भी आपको विनर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपल आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। आखिरी चीज कि अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर बहुत कम फीस में इनके कोर्सेज उपलब्ध हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर एक वीडियो बनाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।